वेलकम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फुलकवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज, FGM गवर्नमेंट कॉलेज, मंडी आदमपुर। आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की समुद्री स्ट्रेटजी एवं नौ सैन्य सुरक्षा, इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी एंड नेवल सिक्योरिटी। जैसा कि आप सब जानते हो, हिंद महासागर जो है वो भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे प्राचीन समय की बात हो, चाहे आधुनिक समय की बात हो, हिंद महासागर ने हमेशा ही भारत की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है और आज भी कर रहा है। हिंद महासागर पर जब विदेशी शक्तियों का नियंत्रण हो जाता है तो वो भारत की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए प्राचीन समय में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हिंद महासागर के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। 15वीं-16वीं शताब्दी में जैसे ही हिंद महासागर के ऊपर पश्चिमी शक्तियों का कब्जा होना शुरू हुआ, वैसे ही हमारा देश जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम बन गया था। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि हिंद महासागर जो है वो भारत की सुरक्षा को किस हद तक प्रभावित करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ओशन, हिंद महासागर का परिचय। हिंद महासागर का परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो कि हिंद महासागर क्या है। भारत के तीन तरफ समुद्र लगता है और तीनों तरफ से लगा हुआ समुद्र ही हिंद महासागर कहलाता है। हालांकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सहायता के लिए हम क्या करते हैं, हिंद महासागर के अलग अलग नामों से टुकड़े बना रखे हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है हिंद महासागर ही हो, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। श्रीलंका की तरफ का जो समुद्र है उसको हम हिंद महासागर कहते हैं, उसका हमने कोई अलग से नामकरण नहीं किया। लक्षद्वीप जहाँ पर स्थित है उसको हम अरब सागर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बात आती है, इंडियन ओशन एंड इंडिया, हिंद महासागर और भारत, इनके आपस में क्या रिश्ते हैं। तो मैं आप सबको बता चुका हूँ कि हिंद महासागर और भारत का जो संबंध है वो सदियों पुराना है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है। जाहिर सी बात है आप सबको पता है कि इसका नाम हमारे देश के ऊपर रखा गया है, यानी कि हिंद महासागर, हिंद का सागर, इंडियन ओशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्राचीन समय में हमारे जो पूर्वज थे हिंद महासागर में विचरण करते रहते थे। हिंद महासागर का हर एक कोना जो था वो भारतीयों द्वारा सुरक्षित था। हमारे पूर्वज यहाँ पर व्यापार भी करते थे और सैनिक कार्रवाई हेतु जो नौ सैनिक अड्डे होते हैं वो भी हमने बना रखे थे। हिंद महासागर के साथ लगते प्रत्येक देश के ऊपर हमारे पूर्वजों ने अपना कब्जा कर रखा था। आज के समय की भी अगर हम बात करें तो भारत के महत्वपूर्ण नौ सैनिक अड्डे जो हैं वो हिंद महासागर में स्थित है। तो इंडियन ओशन जो है भारत की सुरक्षा में काफ़ी हद तक योगदान है, वो देता है। इंडियन ओशन में जब भारत का कब्जा था तब भारत की सुरक्षा जो थी वो काफ़ी हद तक मजबूत थी। जैसे ही हमारा कब्जा हिंद महासागर से कमज़ोर होना शुरू हुआ, हमारी सुरक्षा व्यवस्था थी वो कमज़ोर होना शुरू हो गई। और इसी का परिणाम है कि हमें काफ़ी समय तक विदेशी लोगों का गुलाम था वो बनना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य प्रमुख था। दूसरे नंबर पे आता है कि स्ट्रेटजिक लोकेशंस ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक लोकेशंस कौन कौन सी हैं? तो हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर को ब्रिटिश साम्राज्य की लाइफलाइन कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसके फैलने का एक प्रमुख कारण स्वेज नहर का निर्माण भी है। स्वेज नहर बन जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच में जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। पहले जो ब्रिटिश जहाज आते थे वे सारे घूम कर आते थे, यानी कि उनको अफ्रीका का चक्कर लगाकर और फिर भारत आना पड़ता था। लेकिन स्वेज नहर बनने के बाद ब्रिटेन के जो जहाज थे वो भूमध्य सागर से होते हुए स्वेज नहर को पार करते थे और इसके बाद लाल सागर से होते हुए भारत में पहुंच जाते थे। इसमें टाइम की भी बचत हुई और किलोमीटर्स थे वो भी हमारे बच गए। दूसरे नंबर पे आती है फारस की खाड़ी, जिसको पर्शियन गल्फ़ कहा जाता है। पर्शियन गल्फ़ आज के हिसाब का अगर हम मैं तो देखें
तो आज के हिसाब को से इसको तेल की खाड़ी कहा जाता है, पेट्रोल की खाड़ी है ये। दुनिया का 80% से ज़्यादा जो तेल का व्यापार होता है वो इसी खाड़ी के द्वारा होता है। इस खाड़ी के दोनों तरफ जो देश स्थित हैं वो तेल से भरे हुए हैं, प्राकृतिक गैस, तेल, पेट्रोल से भरे हुए देश हैं। और इन सब इनके कारण इन सब देशों का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आती है वो आती है मलका जल डमरू मध्य की। मलका जल डमरू मध्य जो है वो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ये एक संकरा सा समुद्री मार्ग है जहाँ से जहाज जो हैं वो हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं और हिंद महासागर से जो जहाज है वो प्रशांत महासागर की तरफ प्रवेश करते हैं। इस मार्ग द्वारा जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे जो देश हैं ये जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ से तेल का निर्यात करते हैं और अरब कंट्रीज़ को इनके यहाँ जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं। यानी व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। नंबर चार की बात करें तो नंबर चार पे आता है आशा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप। ये जो मार्ग है स्वेज नहर बनने से पहले यूरोप की तरफ से जो भी जहाज आते थे वो पहले इसी मार्ग का इस्तेमाल करते थे भारत में आने के लिए। यूरोप से जहाज आते थे, केप ऑफ गुड होप में ठहरते थे, वहाँ से ईंधन लेते थे और उसके बाद भारत की तरफ आते थे। ये दक्षिण अफ्रीका के ठीक नीचे स्थित है। आज के समय की अगर बात करें तो पहले की तुलना में आज इसका महत्व है वो घट चुका है। कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि स्वेज नहर बनने से यूरोप के जो देश हैं उनको इस मार्ग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिकी महाद्वीप, दोनों ही दक्षिणी और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और अफ्रीका के बहुत से देश हैं इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं अरब देशों के साथ, भारत के साथ, इंडोनेशिया के साथ, इन देशों के साथ व्यापार करने संबंधी कारणों से इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार नंबर की बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन हिंद महासागर में पाई जाती है। पॉइंट नंबर थ्री, इंडियन ओशन इन द आइज ऑफ सी एक्सपर्ट। समुद्री विशेषज्ञों की नज़र में हिंद महासागर का महत्व क्या है? तो सबसे पहले अमेरिकी जो नौसैनिक विशेषज्ञ थे अल्फ्रेड थेयर महान, इनको एटी महान के नाम से जाना जाता है। एटी महान ने सबसे पहले हिंद महासागर के बारे में कहा था कि हिंद महासागर सात समुद्रों की कुंजी है। सात समुद्र कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। फारस की खाड़ी है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी है, मेडिटेरियन ये लाल सागर है। इस प्रकार के सात जो समुद्र है हिंद महासागर को इनकी कुंजी माना जाता है, यानी कि इनकी चाबी है। एटी महान कहते हैं कि इस हिंद महासागर सात समुद्रों की चाबी है, जो इसको कंट्रोल कर लेगा वो एशिया के ऊपर वर्चस्व स्थापित कर सकता है। और जो एशिया के ऊपर वर्चस्व स्थापित कर लेगा वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना वर्चस्व है वो स्थापित कर सकता है। 21वीं शताब्दी में विश्व का जो भाग्य है उसका जो निर्माण है वो हिंद महासागर की लहरें करेंगी, ये एटी महान का कहना है। यानी सिंपल शब्दों में वो कहते हैं कि हिंद महासागर के ऊपर जो देश नियंत्रण स्थापित कर लेगा वो विश्व के ऊपर अपना प्रभाव है स्थापित कर सकता है। दूसरे नंबर पे जो समुद्र विशेषज्ञ हैं उनका नाम है डेविड स्मिथ। डेविड स्मिथ कहते हैं कि जो देश हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है वह फारस की खाड़ी पर शासन करेगा, और जो देश फारस की खाड़ी पर शासन करेगा वो विश्व के भाग्य को नियंत्रित रखेगा। यानी घूम फिर कर जो बात एटी महान ने कही थी वही बात डेविड स्मिथ भी कहते हैं। वे कहते हैं कि जो देश हिंद महासागर के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा वो देश फारस की खाड़ी के ऊपर शासन कर सकता है, और जो देश फारस की खाड़ी के ऊपर शासन स्थापित कर लेगा वो विश्व के भाग्य का निर्माण कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। तो दोनों का ही एक ही मानना है कि हिंद महासागर पर जो देश नियंत्रण कर लेगा वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना वर्चस्व है स्थापित कर सकता है। नंबर फोर्थ पॉइंट कहता है द मेन आइसलैंड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कौन कौन से द्वीप प्रमुख हैं? तो इंडियन ओशन में सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे है लक्षद्वीप, अंडोमान निकोबार, श्रीलंका, डियागो गार्सिया, सेशल्स, मॉरिशस, स्कोत्रा,
मेडागास्कर, ये कुछ द्वीप समूह जो हैं वो हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा मालदीव भी एक द्वीप है, वो भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो द्वीप समूह हैं ये हिंद महासागर के जो प्रवेश मार्ग है उनके पास पास स्थित हैं, यानी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के द्वीप ये माने जाते हैं, और इसी कारण से ये जो द्वीप हैं इनका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। वाई डू सुपर पावर्स कीप एन आई ऑन द इंडियन ओशन? विश्व शक्तियाँ जो है वो हिंद महासागर के ऊपर अपनी नज़रें क्यों लगा के रखे हुए हैं, यानी कि उनको क्या फ़ायदा है? हिंद महासागर के ऊपर विश्व शक्तियाँ जो है वो नियंत्रण क्यों चाहती हैं, उनकी नज़रें इस पर क्यों गड़ी हुई हैं? सबसे पहला नंबर है सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑयल, यानी कि हिंद महासागर जो है वो दुनिया भर का जो तेल का व्यापार होता है, पेट्रोल का जो व्यापार होता है, उसका सेंटर माना जाता है। दुनिया का प्रत्येक देश अरब देशों से चाहे थोड़ा ले चाहे ज़्यादा ले, कम ले या ज़्यादा ले, लेकिन पेट्रोल जो है वो आयात करता है। जिन देशों के पास अपने खुद के तेल के भंडार है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन देशों के पास तेल के भंडार नहीं है, पेट्रोल नहीं है, वो देश अरब देशों के साथ तेल जो है लेते हैं। इसमें दुनिया के सारे ही देश आ जाते हैं, विश्व शक्तियाँ भी आ जाती हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे फ्रांस है, चाहे चाइना है, जापान है, भारत है, इटली है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, आप किसी भी विश्व शक्ति को देख लो, सभी जो हैं इनसे तेल लेती हैं। इसके अलावा छोटे देशों को अगर कहें तो छोटे देश भी इन देशों के साथ तेल का जो व्यापार है करते हैं। तो ये जो जगह है ये तेल के व्यापार का सेंटर मानी जाती है। सबसे पहले बात तो ये है विश्व शक्तियाँ इस पर नियंत्रण क्यों चाहती हैं, इसके ऊपर उनकी नज़रें क्यों गड़ी हुई हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है तेल से भरा हुआ है, तेल का व्यापार है सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। तो इस तेल के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए ही वे शक्तियाँ इसके ऊपर अपनी नज़रें गड़ा के रखी हुई हैं, क्योंकि आज के समय में अगर हम तेल का व्यापार बंद कर देते हैं तो विश्व के जितने भी हैं वाहन हैं, लड़ाकू जहाज हैं, टैंक हैं या दूसरे प्रकार के हथियार हैं, वो चल ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से। अगर हम तेल की सप्लाई बंद कर देते हैं तो रक्षा जो उपकरण है वो बेकार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज भी चाहे हम कितने ज़्यादा आधुनिक हो गए हों, हमने बिजली के उपकरण बनाना बेशक शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी ये टैंक वगैरह है और दूसरे जो रक्षा उपकरण है वो पेट्रोल से ही चलते हैं। तो पेट्रोल का जो व्यापार है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। सेकेंड पॉइंट इज प्लेस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस आर लोकेटेड इन इट। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इस महासागर में स्ट्रेटजिक लोकेशंस की जगह भरी पड़ी हैं और व्यापारिक मार्ग हैं वो भी यहाँ पर स्थित हैं। चार प्रमुख व्यापारी मार्गों के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, जिसमें स्वेज नहर थी, फारस की खाड़ी थी, मलका जल डमरू है, आसान द्वीप है। स्ट्रेटजिक लोकेशंस के द्वीप समूह मैंने अभी आपको बताया, जिसमें सेशल्स है, जिबूती है, मालदीव है, श्रीलंका है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, डियागो गार्सिया। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस की जगह हैं, व्यापार मार्ग है, वो इसमें ही स्थित हैं। हर एक देश ये चाहता है कि वो ऊर्जा की जो उसको ज़रूरत है, जो कि अरब देशों से उनको मिलती है, फारस की खाड़ी से उनको मिलती है, वो जो ज़रूरत है वो उसकी पूरी होती रहे। चाइना कितना ही शक्तिशाली देश क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका तेल का व्यापार बंद हो जाता है तो उसकी सैनिक शक्ति जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अमेरिका कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको पेट्रोल की आपूर्ति बंद हो जाती है तो उसकी शक्ति में भी भारी मात्रा में कमी आएगी। ऐसे किसी और शक्ति का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो जब हम शक्ति की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेट्रोल की जो आपूर्ति है वो चलती रहे। थर्ड पॉइंट इज इट रिमेन्स अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तीसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस क्षेत्र में दुनिया की 1/3 जनसंख्या वो रहती है। दुनिया के जितने बड़े बड़े जनसंख्या के देश हैं वो लगभग सारे यहीं पे स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का देश चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, फिर इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो ये सारे के सारे देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और सारे के सारे हिंद महासागर के तट के साथ लगते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के जो देश हैं वहाँ पर व्यापार संबंधी जो
ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। व्यापार करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो ताकि वहाँ पर सामान जो है खप सके। और आप सबको पता है कि एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा है। आज के समय में भारत की जो इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उसका भी एक कारण यही है कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो दुनिया भर के जो देश है वो चाहते हैं कि भारत में अपने कारखाने स्थापित किए जाए ताकि यहाँ पर माल है वो बिक सके और उनको जो लाभ है वो हो सके। इसके अलावा ये जो देश हैं इनमें जनसंख्या ज़्यादा है तो मतलब काम करने वाले लोग हैं वो भी ज़्यादा हैं, या कि जनसंख्या युवा है तो जो भी फैक्ट्री वगैरह स्थापित होती है उसमें जो उनको श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए, सस्ते मजदूर, ट्रेंड मजदूर वो आसानी से मिल जाते हैं। तो पूरी दुनिया का इस क्षेत्र पर नज़र रखने का कि यह भी कारण है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम है, ज़्यादा है। स्पेशल इकोनॉमिक लोकेशंस इन द ओशन। हिंद महासागर में महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है ये किसी देश के तट से 200 वर्ग मील समुद्री वर्ग मील आगे तक माना जाता है, यानी कि भारत का तट है उससे 200 समुद्री वर्ग मील का आगे का जो इलाका है वो भारत का EEZ माना जाता है। EEZ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जो भी संसाधन समुद्र की सतह के नीचे होते हैं वो सारे के सारे उस देश के माने जाते हैं जो उस तट के, जो समुद्र के निकट है। यानी भारत के समुद्र तट से 200 वर्ग मील के इलाके में जो भी संसाधन हमें मिलेंगे, चाहे मछली है, चाहे पेट्रोल है, सतह के नीचे पेट्रोल मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, कुछ भी मिलता है, उस देश, उस क्षेत्र पर उस देश का अधिकार माना जाता है। यह जो संधि थी विभिन्न देशों द्वारा आपसी विचार विमर्श के बाद 1982 में बनाई गई थी। उससे पहले जो शक्तिशाली देश थे वो कमज़ोर देशों को अपने क्षेत्र में घुसने ही नहीं देते थे, वहाँ पे उनके जहाज़ वगैरह जाते थे, उनको पकड़ लेते थे, उनको तंग करते थे। तो बहुत दिनों से मांग की जा रही थी कि ऐसी संधि हो जिससे ये डिफ़ाइन हो सके कि किस देश का क्षेत्र कहाँ तक स्थित है। तो इसके बाद UNO में ये रेजुलेशन पास किया गया, ये समझौता किया गया कि 200 वर्ग मील समुद्री वर्ग मील का जो इलाका है वो उस देश का अधिकार क्षेत्र माना जाएगा, उसको इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। नंबर दो पे है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो समुद्र में भी बनाए जा सकते हैं और जो देश के भीतरी इलाके है, ज़मीन है, वहाँ पर भी इसको बनाया जा सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरकार जो होती है वो एक क्षेत्र विशेष को चिन्हित कर देती है जहाँ पर वो रियायत दरों पर विदेशी कंपनियों को या देसी कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए रियायती दरों पर ज़मीन भी देती है, उनको ऋण भी देती है और उनको टैक्स संबंधी जो रियायत है वो भी प्रदान की जाती है। मकसद इसका यही होता है कि विदेशी कंपनियाँ जो हैं वो देश में निवेश कर सकें। उनके निवेश करने से देश में एक तो जो औद्योगिकरण होता है वो तेज़ी के साथ बढ़ता है, इसके अलावा जो ट्रेंड जनसंख्या, जो बेरोजगार ट्रेंड जनसंख्या होती है उसको रोज़गार मिलता है, और तीसरे नंबर पे सरकार को भी टैक्सों द्वारा बहुत सी आय होती है। तो इसी कारण से सरकारें जो होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करती हैं। नंबर थ्री, स्पेशल इकोनॉमिक लोकेशंस ऑफ इंडिया। भारत में जगह जगह के ऊपर SEZ जो है वो बनाए गए हैं। भारत का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर SEZ स्थापित ना हो, चाहे समुद्री इलाका है वहाँ पर भी SEZ स्थापित किए गए हैं। हरियाणा जैसा जो कृषि प्रधान राज्य है वहाँ पर भी SEZ स्थापित किए गए हैं, राजस्थान है। भारत का कोई हिस्सा ऐसा है ही नहीं जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है स्थापित ना किए गए हों। ये आज के समय की ज़रूरत है और इसके कारण भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों वो अपने स्तर पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो स्थापना है वो करती रहती हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, मोतियों की माला रणनीति। मोतियों की माला रणनीति के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये चाइना का एक बहुत ही दुस्साहसिक वार प्लान था जिसके द्वारा उसकी मंशा ये थी कि वो भारत के पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर पैसा लगाकर और उन देशों की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, सामरिक गतिविधियाँ हैं, उनके ऊपर वो अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत चाइना ने भारत के जितने पड़ोसी देश थे उन सब में बड़े पैमाने पर कर्ज के रूप में पैसे का निवेश किया।
उन देशों में जो आधारभूत ढांचा होता है उसको विकसित करने की पेशकश की। वहाँ पर रेलवे लाइनें बिछाई गई, सड़क मार्ग बनाए गए, बंदरगाह है वो विकसित किए गए, कारखाने लगाए गए, ये सारी की सारी चीज़ें उन देशों में चाइना द्वारा की गई। मकसद यही था कि ये देश जो थे धीरे धीरे करके चाइना के कर्ज के जाल में फंस जाए, और उसके बाद चाइना जो है वो इनसे जो इनके आर्थिक और सामरिक क्षेत्र हैं उनके ऊपर अपना नियंत्रण है वो स्थापित कर सके। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट डज चाइना वांट टू डू थ्रू दिस पॉलिसी। चाइना इस पॉलिसी के तहत क्या करना चाहता था? तो इस पॉलिसी के तहत चाइना का मकसद साफ था कि वो इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर इन देशों के सामरिक और आर्थिक जो ठिकाने थे उनके ऊपर अपनी शक्ति मजबूत करना चाहता था। जैसे उसने श्रीलंका में बड़े पैमाने पर निवेश किया, पाकिस्तान में किया, बांग्लादेश में किया, म्यांमार में किया, मालदीव में किया, धीरे धीरे करके इन देशों में उसने बड़े पैमाने पर पैसा लगाया। उसको पता था कि इन देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो ये देश पैसा तो ले रहे हैं लेकिन जब पैसा लौटाने की बारी आएगी तब ये देश कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और उसका सोचना बिल्कुल सही साबित हुआ। इन देशों ने बड़े पैमाने पे कर्ज तो ले लिया लेकिन जब पैसा लौटाने की बारी आई तब उनके पास पैसा लौटाने का कोई साधन था ही नहीं। तो उसके बाद जब चाइना ने उनको कर्ज लौटाने के लिए बाध्य करना शुरू किया तो हार कर मजबूरी में उनको चाइना की वो बातें माननी पड़ी जो चाइना चाहता था, यानी कि सामरिक जो महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाने थे उनके ऊपर उसको उनको चाइना को घुसपैठ करने की इजाज़त देनी पड़ी। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज चाइना स्ट्रेटजी एंड व्हाट कैन इट इफेक्ट इंडियन सिक्योरिटी। इस पॉलिसी के कारण भारतीय सुरक्षा को क्या क्या खतरे उत्पन्न हुए, किस प्रकार हमारी सुरक्षा प्रभावित हुई? तो हमारे हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण सामरिक जो ठिकाने हैं वो सारे के सारे सारे हमने दक्षिण भारत में बनाए हुए हैं। हम रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं श्रीहरिकोटा से करते हैं, हम मिसाइलों का निर्माण करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं बालासोर के तट पे करते हैं उड़ीसा में। इसके अलावा हमारे बहुत से परमाणु जो बिजली घर है वो भी दक्षिणी भारत में स्थित है, हमारे वैज्ञानिक संस्थान है वो दक्षिणी भारत में स्थित है, हमारे जो इसरो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो भी दक्षिणी भारत में है, हमारी DRDO है वो भी दक्षिणी भारत में स्थित है, यानी कि हमारे सामरिक महत्व के जो भी ठिकाने के सारे दक्षिणी भारत में स्थित हैं। और श्रीलंका है, मालदीव है, ये सारे के सारे जो हैं वो इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका यहाँ पर चाइना ने बड़ी खूबसूरती के साथ जाल बिछाया और इन देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा कर यहाँ पर अपनी जो जासूसी मशीनरी थी वो यहाँ पर फिट करनी शुरू कर दी। ऐसे ही उसने बर्मा का जो कोको द्वीप है उसके ऊपर निगरानी तंत्र के रूप में जासूसी जो उपकरण हैं वो फिट किए हुए हैं। यहाँ से वो हम जो मिसाइल टेस्ट करते हैं वो उसके ऊपर नज़र रखता है। श्रीहरिकोटा से जब स्पे जो रॉकेट हम अंतरिक्ष में भेजते हैं वो श्रीलंका के हेबनटोटा से वो उसके ऊपर वहाँ से नज़र रखता है। मालदीव से वो नज़र रखता है कि हमारी सेना जो है किस प्रकार की एक्सरसाइज दूसरे देशों के साथ कर रही है। तो यहाँ पर चाइना की जो मंशा थी पहले तो यही थी कि वो भारत के ऊपर निगरानी रखना चाहता था कि भारत किस प्रकार के हथियार है वो विकसित कर रहा है। और आप सबको पता है कि युद्ध के मैदान में जब दुश्मन को ये पता होता है कि हमारे पास कैसे हथियार है तो वो आसानी से उनकी काट है वो तैयार कर सकता है। तो हमारे लिए पहला बड़ा खतरा तो यही था कि अगर चाइना हमारे ऊपर अच्छी तरह से निगरानी रख लेता तो हमारे बहुत से हथियारों की काट वो तैयार कर सकता था और युद्ध के मैदान में फिर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता। दूसरा हमारे लिए जो खतरा है वो ये है कि युद्ध के दौरान चाइना जो है इन ठिकानों का प्रयोग भारत के खिलाफ कर सकता है, यानी श्रीलंका का हेबनटोटा जो द्वीप है यहाँ से वो दक्षिणी भारत के तमिलनाडु है, केरला है, मद्रास है, आंध्र प्रदेश है, इनके ऊपर मिसाइल अटैक आराम से कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सामरिक महत्व के भी ठिकाने यहीं पे है, DRDO है, इसरो है, तो उनके ऊपर भी वो आसानी के साथ लड़ाई के दौरान इनके ऊपर आसानी से हमला कर सकता है और हमें भारी मात्रा में नुकसान जो है पहुँचाया जा सकता है। तो ये मुख्य कारण ये थे कि वो जिसके कारण चाइना ने इन देशों को के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया। नंबर 3 पॉइंट इंडियाज रिस्पॉन्स टू चाइनीज स्ट्रेटजी। भारत ने इस पॉलिसी का जवाब कैसे दिया? तो 2005 तक तो हमें ये पता ही नहीं था कि चाइना इस प्रकार की कोई पॉलिसी भी अपना रहा है। मैं आप सबको जैसे बता चुका हूँ भारत की सरकार जो है इस मामले में बिल्कुल सोई हुई थी, उसको पता ही नहीं था कि चाइना किस प्रकार की रणनीति भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। 2005 में अमेरिकी जो सैन्य मुख्यालय है पेंटागन उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें इस बात का जिक्र था कि चाइना जो है वो बड़े गुपचुप तरीके से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें
बड़ी मात्रा में कर्ज जो है दे रहा है और उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की जगह है उनको विकसित कर रहा है, और उसकी मंशा साफ तौर पर यह है कि बाद में उनको वो अपने हित के लिए इस्तेमाल कर सके। तो 2005 में जब इस बात का खुलासा हुआ, इसके बाद भारत सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई थी वो करनी शुरू की। 2014 के बाद इसके ऊपर कार्रवाई जो थी भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर शुरू की। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के खिलाफ भारत ने स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर पॉलिसी थी वो अपनाई, यानी कि उनकी मोतियों की माला के जवाब में भारत ने फ्लावर फूलों की जो माला थी उसकी रणनीति तैयार की। इसके बाद हमने भी जहाँ जहाँ चाइना ने अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित करने की कोशिश की या वो कर रहा था, उसके जवाब में भारत ने भी उसके आसपास ही अपने नौसैनिक ठिकाने जो थे वो बनाने शुरू कर दिए। और आज के समय में उम्मीद है कि भारत जो है वो काफ़ी देशों के में अपने नौसैनिक ठिकाने बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, और कुछ जगह पर बात जो है लगभग फाइनल हो चुकी है। नेवल पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की समुद्री नीति। भारत की समुद्री नीति बिल्कुल साफ थी। भारत की समुद्री नीति ये कहती है कि हमें, जैसे प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों का इस क्षेत्र के ऊपर पूरा वर्चस्व था, भारत की समुद्री नीति भी ये कहती कि हमें वो वर्चस्व था वो फिर से हिंद महासागर के ऊपर वो करना है, कायम करना है। तो उसी के लिए भारत सरकार ने 21वीं शताब्दी में भारत की नौसैनिक नीति क्या हो इसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। और भारत की जो प्रमुख सामुद्रिक नीति थी उसमें सबसे पहले थे स्टैंडिंग इट्स नेवल बेसिस एंड एक्सपेंडिंग इन टू अदर कंट्रीज एज वेल। तो भारत सरकार ने सबसे पहला तो यही किया कि चाइना जिस हिसाब से भारत के चारों तरफ अपना जाल फैला रहा था उसकी काट के लिए भारत सरकार ने भी उनके साथ लगते देशों में अपने जो नेवल बेसिस थे वो स्थापित करने शुरू कर दिए, यानी कि चाइना जो पॉलिसी अपना रहा था उसकी काट के रूप में भारत ने भी जो नौसैनिक अड्डे थे वो चाइना के नौसैनिक अड्डों के आसपास ही बनाने शुरू कर दिए। हमारा मकसद भी वही था जो चाइना का था, यानी युद्ध के दौरान जैसे ही चाइना हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता तो हमने जो नौसैनिक अड्डे अभी स्थापित कर हम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं उसके द्वारा हम चाइना की नौसेना को वहीं पर घेर लेते। नंबर टू, मेकिंग द आर्म फोर्सेस स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ सफिशिएंट इन डिफेंस नीड। 21वीं शताब्दी में भारत हिंद महासागर के ऊपर नियंत्रण तभी कर सकता है जब उसकी नौसेना शक्तिशाली हो, और ना सिर्फ शक्तिशाली हो बल्कि रक्षा जरूरतों के हिसाब से वो आत्मनिर्भर भी हो, यानी कि हमें कोई हथियार चाहिए तो हमें दूसरे देशों की तरफ ना ताकना पड़े। दूसरे देशों से मतलब कोई भी देश है जिससे हम अपने हथियार खरीदते हैं। तो 21वीं शताब्दी में भारत सरकार की रणनीति यह है कि हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बने। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया हुआ है उसका मकसद यही है कि हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और जब हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हम आसानी के साथ अपनी रक्षा ज़रूरतों को पूरा करके और हिंद महासागर के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। नंबर थ्री, बिकमिंग एंड एलिट नेवल पॉलिसी। नंबर तीन पे हमारा मानना यह है कि नौसेना के लिए हम जो भी पॉलिसी बनाएं वो बिल्कुल सुदृढ़ हो, बिल्कुल साफ हो, यानी कि हमारी जो नौसैनिक रणनीति होगी हमारी पॉलिसी होगी वो बिल्कुल साफ होगी। हमारी नौसेना के बारे में हमें इसको कैसे विकसित करना है, उसमें जो हमारे कर्मचारी हैं हमने उनको किस प्रकार के प्रशिक्षण दिलवाने हैं वो सारी की सारी जो चीज़ है वो बिल्कुल साफ़ होंगी। इसके अलावा हमारी नौसेना को पता होगा कि हमें हिंद महासागर में किस प्रकार की कार्रवाई करनी है, हिंद महासागर में हमारे जो नौसैनिक अड्डे हैं हमारे व्यापारिक मार्ग हैं उनकी सुरक्षा हमें कैसे करनी है। हिंद महासागर में अगर कोई देश हमारे आर्थिक हितों को हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे हम कैसे निपटेंगे। तो एक नौसैनिक एक सुदृढ़ नौसैनिक नीति में इन सब बातों का जिक्र किया गया था। नंबर चार में है भारत सूचनाओं के लिए एक विशेष प्रकार के उपग्रह है उनको प्रेक्षित करने के बारे में सोच रहा है, यानी कि जैसे हमने जमीन के ऊपर निगरानी रखने के लिए बहुत सारे उपग्रहों को संचालित किया हुआ है, वैसे विशेषकर समुद्र के ऊपर निगरानी रखने के लिए भी भारत सरकार विशेष प्रकार के जो उपग्रह हैं जिनको जासूसी उपग्रह कहते हैं उनके निर्माण के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा नंबर पाँच में, इसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ज़मीन हमारी समुद्र सतह के नीचे जो खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं उनको हम किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं
और ढूंढने के अलावा उनका दोहन है वो किस प्रकार सुरक्षित ढंग से किया जा सकता है, इसके लिए भी विशेष नेवल पॉलिसी है वो बनाई गई है। नंबर 6 में हमारी जो नेवल पॉलिसी है वो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ सुदृढ़ रक्षा संबंधों के बारे में बात करती है, यानी कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारा मानना यह है कि हमें इन देशों के साथ अपने जो नौसैनिक संबंध है वो मजबूत बनाने चाहिए। नौसैनिक संबंध भी, आर्थिक संबंध भी और व्यापारिक संबंध है, वे सारे के सारे हमें इनके देशों के साथ मजबूत बनाने हैं। नंबर 7 में हमारा ये मानना है कि दुनिया भर की जितनी बड़ी ताकतें हैं उन सब के साथ हमारे नौसैनिक अभ्यास है वो चलते रहे। नौसैनिक अभ्यास करने से हमें रणनीतियाँ बनाने में, अच्छे हथियार खरीदने में आसानी होती है। नंबर 8, में भारत सरकार की रणनीति यह है कि समुद्र के ऊपर जो हमारे बंदरगाह हैं उनको विशेष प्रकार से उन्नत किया जाए, यानी कि आज के समय में हमारे जो बंदरगाह हैं उनकी जो क्षमता है उन क्षमताओं में वृद्धि की जाए। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, इसमें हमने जाना कि हिंद महासागर भारत की रक्षा ज़रूरतों को किस हद तक प्रभावित करता है, हिंद महासागर के ऊपर हमारी रक्षा व्यवस्था किस प्रकार निर्भर करती है, और अगर हिंद महासागर में विदेशी शक्तियों का किसी प्रकार से आगमन हो जाता है या वो यहाँ पर वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं तो भारत की सुरक्षा को किस हद तक खतरा हो सकता है, ये सब हमने इस बारे में इस टॉपिक में कवर किया। इसके अलावा हमने ये भी जाना है कि चाइना जो है वो किस प्रकार की रणनीति बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत ने उसका किस प्रकार से जवाब दिया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का टॉपिक जो है, बाकी का जो लेसन है उसकी वीडियो मैं दूसरे उसमें बना रहा हूँ। थैंक यू।